हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, और मैं हूं दीपमाला। देखिए, अभी अभी इसके पहले दो वीडियो बने हैं जो कि एक नागिन के लिए बने हैं, और नागिन की तारीफ जब की है ना, तो कुछ लोगों को बाय गॉड जो जो जलन हुई है, जो इचिंग हुई है, बड़ी खुशी हो रही है वो देखकर, बड़ी खुशी हो रही है वो देखकर। जी हाँ, बड़ी खुशी हो रही है। ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी इन सब हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मेरे चेहरे पर हंसी देख रहे हो ना, मज़ा बड़ा आ रहा है ये जानकर कि तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, और तुम लोगों को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। पता चला, जब तुम सिद्धार्थ और शहनाज को टीज करते हो ना, तुम्हारी ये नागिन, तुम्हारी ये मोमो और जो भी है, तुम्हारी ये जो गिरगिट आंटी है, जब उन लोगों को अनाप शनाप कहती है, कुछ करती है, टारगेट करती है, सिद्धार्थ के ना रहते हुए भी फुटेज ली, ना रहते हुए और ज़्यादा उसके ना रहने का फ़ायदा उठा रही है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी औरत को। औरत तो छोड़ो, खैर औरत नहीं बोल सकते, ऐसी नागिन को शर्म आनी चाहिए कि वो नहीं है, उसके बाद तू फुटेज ले रही है। 2 साल कहाँ थी, 2 साल कहाँ थी? उसने कभी बिग बॉस में मुंह नहीं लगाया, बाहर आकर मुंह नहीं लगाया, तो अब तू क्या कह रही है? रिश्ता तो ऐसा था, बातें तो मैं इतनी कर सकती हूँ। मैंने कहा ना, बातें तू इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि 4 ऑलरेडी अभी घुमा रही होगी एक ही फिंगर पर, तो ऑब्वियसली अपने कैसे नाम ले सकती है कि मेरा तो ये था, मेरा तो वो था, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले। और इतने समय में लोग आगे निकल जाया करते हैं, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज भी तो वहीं खड़ी है। दूसरी चीज, जो लोग कह रहे हैं कि हम सिडनास के प्यार हैं, भाई हम तो खुले में कहते हैं हम सिडनास के प्यार हैं। हम कौन सा मना कर रहे हैं कि हम सिडनास के प्यार नहीं है, हम खुले में कहते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ हाँ, हर एक सिंगल सिडनाजियन है, हर एक सिंगल सिडहर्ट और हर एक सिंगल शहनाजियन, सभी जो है सिडनास के प्यार हैं, हम भी सिडनास के प्यार हैं। लेकिन एक बात बता दें, पैसों से नहीं है, प्यार से हैं। और जो वो करवाते हैं ना एक्टिविटी, जो वो करवाती है, वो पेड पीआर एक्टिविटी होती है। जी हाँ, पेड पीआर एक्टिविटी होती है, लेकिन उसके बाद भी अपनी औकात उसे समझ आ जाती है कि कितनी है। ट्रेंड तब भी शहनाज के चलते हैं, सिद्धार्थ के चलते हैं, सिडनास के चलते हैं, हैशटैग्स उनके चलते हैं, चाहे कपल में ले लो, चाहे इंडिविजुअल में ले लो, सब में उनके चलते हैं। तो पेड पीआर एक्टिविटी करवाने के बाद भी ये हाल है। और जो तुम 4-6 उछल रहे हो ना, या व्हाटएवर जितने भी हो, जो तुम फुदक रहे हो, तो तुम किस दिन काम आओगे? ठीक है, सिडनास के फैंस पीआर हैं, हम पीआर हैं, तो तुम पीआर बन जाओ। तुम क्यों नहीं बन पा रहे हो? कोई लाइव कर लो, कोई उसका प्रमोशन कर दो, करो कुछ तो, करो, पीआर बन जाओ। खैर वो सब छोड़िए, ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया है कि तुम लोगों को जो मिर्च लग रही है ना, उसका लेवल और बड़ा किया जाए, और तुमको मिर्च लगना डिजर्व करते हो तुम, क्योंकि तुम्हारी जो नागिन है वो करती ही चीज़ें ऐसी है। और शर्म करो यार, किसके फैंस हो? सबसे पहले शर्म करो, किसके फैंस हो? फैंस होने से पहले सोचो तो कि वो तुम्हें फैन उसका हुआ जाता है जिससे आप इम्प्रेस होते हो, आप कुछ सीख सकते हो, आपको ज़िंदगी में उसने कोई फ़लसफ़ा दिया हो, कोई चीज़ें आपको उससे नॉलेजेबल मिलती हो। तुम किसके फैन हो? धोखाधड़ी करना सीखोगे, लोगों के पति मारना सीखोगे, लोगों के वो बॉयफ्रेंड छीनना सीखोगे, अपने बच्चे मारना सीखोगे, ये सब सीखोगे? मतलब कुछ भी यार, फैन होने से पहले सोचो, शर्म करो, शर्म शर्म करो, शर्म।